नमस्ते दोस्तों, सीधे मुद्दे की बात करते हैं। जैसे कि आपने इस वीडियो का थंबनेल देखा ही होगा, मोटिवेशनल स्पीकर संदीप महेश्वरी जी की एक वीडियो ने सबसे बड़ा मुद्दे खड़ा कर दी है। और इस कंट्रोवर्सी का कारण क्या है? एक स्कैम। जी हाँ, एक स्कैम। संदीप महेश्वरी जी के स्टूडियो में एक लड़का आरोप लगाता है, मैंने एक बहुत बड़े यूट्यूबर से एक ऐसा कोर्स लिया है जिसे खरीदने के बाद मुझे उस चीज से कोई भी वैल्यू नहीं मिला, या बोले तो मुझे उससे एक भी पैसा का बराबर फायदा नहीं हुआ। और जब मैंने कहा उनसे मुझे मेरा पैसा रिफंड कर दो, उन्होंने कहा इसको आगे जाकर के कई लोगों को बेचो। और उस लड़के ने इस वीडियो में आगे जाकर के ये भी बताया कि मेरे जैसे कई लाखों लोग इस फ्रॉड वाला काम में फंसे हुए हैं। और उस वीडियो में ना विवेक बंद्रा जी का नाम है ना उसकी कंपनी का नाम था, लेकिन बाद में विवेक बंद्रा जी की टीम ने संदीप महेश्वरी को एक लीगल नोटिस भेजता है। तब जाकर के खुलासा हुआ कि वो स्टूडेंट किसी और के बारे में नहीं बल्कि विवेक बंद्रा जी के बारे में बोल रहा था। विवेक बंद्रा जी एक बहुत बड़े यूट्यूबर हैं जिसके 21 मिलियन सब्सक्राइबर है, लगभग 2 करोड़ से ज्यादा सब्सक्राइबर है। बिजनेस की दुनिया में एक समय में इसका बहुत बड़ा नाम हुआ करता था, लोग उनके दीवाने थे। पर ये जो वीडियो बाहर आया कंट्रोवर्सी का, और इसके बाद जो लीगल नोटिस भेजा संदीप महेश्वरिया को, संदीप महेश्वरिया जी के चैनल में कमेंट किया जा रहा है विवेक बंद्रा को अनसब्सक्राइब करो और बड़ा बिजनेस इसकी कंपनी को बायकॉट करो। इसकी कंपनी को बायकॉट करने के लिए हैशटैग का यूज कर रहे हैं। लेकिन स्टॉप विवेक बिंद्रा, रोको इसको भाई। लेकिन बात आती है आखिर वो स्कैम है क्या? दुनिया जिसको आखिर स्कैम बोल रही है वो वाकई में क्या स्कैम है या एक छोटी सी बिजनेस मॉडल की गलती? क्या सभी बिजनेस कोच ऐसे ही होते हैं? क्या आखिर बिजनेस कोर्स बेचना गलत है? और जिन लाखों लोगों के साथ ये काम हुआ है आखिर वो दलदल में क्यों फंसते चले गए हैं? और आगे भविष्य में हम ऐसा क्या करें हमारे साथ या किसी और के साथ ऐसा ना हो? मैं एक खुद बिजनेस कोच हूँ, इस चीज को मैं अंदर से जानता हूँ, तो मैं आपको इस वीडियो में अंदर की बात बता रहा हूँ इस इंडस्ट्री में क्या प्रॉब्लम है और आखिर किसी भी कोर्स खरीदते टाइम किस बातों का ध्यान रखें। और वास्तव में जो अभी माजरा चल रहा है, एक बिजनेसमैन होने के नाते आपको इस पूरी कंट्रोवर्सी के लास्ट में मैं ये जरूर बताऊंगा कि हम इससे क्या बिजनेस लेसन सीख सकते हैं। तो चलिए आखिर इस वीडियो को करते हैं शुरुआत। वीडियो में हम इस टॉपिक पर बात करेंगे, पहले आखिर विवेक बंद्रा जी कौन है, इतने बड़े नेटवर्क कैसे बनाया इन्होंने, और हम दूसरा बात करेंगे MLM, आखिर ये किस चीज का मुद्दा का नाम है जो अभी पूरे सोशल मीडिया पे तहल्ला मचा रहा है, और तीसरा ये क्या आखिर ये बुझ करके स्कैम किया गया है या आखिर एक बिजनेस मॉडल की गलती है, इस पर चर्चा करेंगे। इस पूरी कंट्रोवर्सी में विवेक बंद्रा जी आखिर में क्या बाउंस बैक कर पाएंगे, और इस पूरी कंट्रोवर्सी में संदीप महेश्वरिया जी आखिर क्या वो वाकई में सही है या गलत, इस चीज को इस वीडियो में पूरा तय करेंगे कि कौन सही कौन गलत। तो चलो पहला नंबर पे बात करते हैं, विवेक बंद्रा जी आखिर है कौन। विवेक बंद्रा जी 2013 में YouTube चैनल बनाना शुरुआत किया था। उन्होंने सबसे पहले YouTube में बिजनेसमैन वाला वीडियो बनाना शुरू किया, मार्केटिंग, पैसे से लेनदेन, बिजनेस के बारे में ऐसे बहुत सारी चीजें अपने वीडियो में बताया करते थे। इनके चैनल के 3 प्रमुख विशेषता थी, एक तो कंटेंट की क्लियरिटी बहुत अच्छी थी, आखिर ये दूसरा में बात करें तो ये सब कुछ फ्री में बताया करता था, और दूसरा बात करें तो इसके वीडियो में सब कुछ फ्री में मिलता था जो कि कई लोग पेड करके वो चीज सीखते थे, लेकिन विवेक बंद्रा जी की वीडियो में ये सब बाकी चीज फ्री में देते थे। इसके वीडियो में सब कुछ फ्री में मिलता था, और तीसरा एकदम आसान हिंदी में समझाते थे या उसे बताते थे, एकदम आसान हिंदी में, शुद्ध हिंदी, जो कि इनकी वीडियो को देख करके जो पढ़े लिखे व्यक्ति नहीं थे वो भी इनके वीडियो को देख करके एकदम आसान तरीके से समझ जाते थे। इस तीनों चीज की वजह से जनता को इसको बहुत सारा प्यार मिला। ये बहुत कम समय में इनके इतने बड़े यूट्यूब चैनल बन गए। और आखिर कंपेयर किया जाए संदीप महेश्वरिया के साथ में तो उनकी भी सेम कंटेंट था, वो भी आसान हिंदी भाषा में समझाते थे, और उसका भी फ्री का था, वो भी सब कुछ फ्री में बताते थे। जो अभी करंट में जो जलवा देख रहे हैं संदीप महेश्वरिया जी का, एक समय में विवेक बंद्रा जी का भी ऐसा था। इनफैक्ट ये दोनों अपने अपने फील्ड का लेजेंड थे, और ये विवेक बंद्रा जी संदीप महेश्वरिया जी के चैनल पे भी आए। एक समय में इन दोनों की अच्छी खासी दोस्ती थी। तो फिर आखिर क्या हुआ, अब जब विवेक बंद्रा जी की फैन फॉलोइंग बढ़ी तो इनको कंटेंट देने में फ्री में मजा नहीं आ रहा था, तो इन्होंने सोचा कि चलो पेड वाला बनाते हैं कोर्स जो कि पैसा दे करके खरीदे, और इन्होंने पेड वाला कोर्स बनाया, और पेड वाला कोर्स बनाने के बाद उसे बेचने लगा, पेड वाला कोर्स को बेचना चालू कर दिया। ये समय समय पर इवेंट भी करते थे बहुत अलग अलग जगह पे जाकर के। इन्होंने बिजनेसमैन को बहुत सारी बिजनेस की नॉलेज दी, लोगों ने इनसे खूब एक्सपायर हुआ और इनसे बहुत कुछ सीखे, और इसकी जिंदगी बिल्कुल सही चल रहा था। तो दूसरा बात करते हैं MLM के बारे में। MLM जिसमें कमाई होती है झांट भर, लेकिन ये सेमिनार चलते हैं साल भर। जो MLM बिजनेस है ना वो यूट्यूब की म्यूजिक के जैसा है, भले कितने ही लोग इसको गाली दें लेकिन ये अपने हरकतों से बाज नहीं आते, लोगों को अपने ट्रैप में फंसाते और लोगों को फंसाएंगे। MLM का मतलब होता है प्रेम
पेमेंट लोगों को जोड़ता है तीन लोगों से और उन लोगों ने जोड़ता है फिर तीन लोगों से, लोगों को फिर जोड़ता है तीन लोगों से, इस तरीका से इसका पूरा चक्कर चलता है। तो भाइयों मैं आपको बता दूं, जो MLM का बिजनेस होता है ना, ये एक ऐसे बिजनेस होते हैं जो नियमों के अधीन होते हैं। इसमें मेहनत ज्यादा होती है और सफलता बोले तो मतलब 1-2%, इससे ज्यादा तुम उम्मीद भी मत करना। एक्चुअली अगर सिंपल भाषा में बोले तो ये कमीशन बेस्ड वर्ग होता है, जिसमें 70% कंपनी रखती है और 30% वो रखते हैं जो काम कर रहे होते हैं, उसको देता है 30% जो MLM का बिजनेस करता है। एक्चुअली में इसकी कोई भी एडवर्टाइजिंग नहीं होती है। इसका रीजन यह है कि जो कंपनी होती है वो एडवर्टाइजिंग का पैसा बचा लेती है। सिंपल सी बात है, एडवर्टाइजिंग नहीं करता है उस चीज का पैसा नहीं लगता है, तो वो एडवर्टाइजिंग का पैसा उसका सारा बच जाता है। जो कंपनी होता है वो काफी ज्यादा प्रॉफिट कमा लेती है क्योंकि उनका बहुत सारा पैसा बच जाता है एडवर्टाइजिंग का। MLM में सिर्फ इवेंट चलाया जाता है क्योंकि इनके लिए काम कौन करता है, इस कंपनी के लिए सिर्फ काम कौन करता है, आप करते हैं। आप घर जाकर के डोर टू डोर दरवाजे खोलते हैं और लोगों को बिजनेस के बारे में बताते हैं, MLM के बारे में, और सारा प्रॉफिट लेता है कंपनी। ये MLM बोले तो ऐसा ही बिजनेस है जो आपसे नेटवर्किंग करवाता है, लेकिन ये बिजनेस का नहीं, रिश्तेदारी खराब करने का। इनके सपोर्ट डेड मैं आपको बता दूं कि अगर आपका कोई भी रिश्तेदारी वैसे बेरोजगार बैठा हुआ है, तुम उसे MLM में जोड़वा देते हो, तुम्हारे उससे रिश्तेदार पक्का खराब होंगे, ये मैं लिख के देता हूं, या फिर उसके रिश्तेदारी से उसके रिश्ते खराब हो जाएंगे। अब देखो गाइस, ऐसा नहीं है कि ये फॉर्मूला हर किसी पर लागू होता है। लोगों ने MLM से पैसा नहीं कमाया ऐसा नहीं है, डेफिनेटली कमाया है, लेकिन सिर्फ 1%, 1-2%, इससे ज्यादा नहीं। तो उन 1-2% से एक्सपायर होकर के आप इस बिजनेस में नहीं घुस सकते हो। अगर आप फिर घुसे तो वही बात हो जाएगा, सेमिनार साल भर, काम झांड भर, और पैसा मिलेगा तुम्हें लाड़ भर, मेहनत होगा गाड़ फर, और सक्सेस मिलेगा झांड भर। मामो तेरा बहन के 14 महावीर वाला, तेरा मैया के 14 वाला, बहनों अगर तेरा बेटी के, बिल्कुल ऐसा ही नियम इस पर लागू होता है। लेकिन अगर फिर भी तुम चाहो कि नहीं मैं घुसूंगा तो तू घुस, तो मैं आपको घुसने से पहले मैं बता देता हूँ, अगर तुम MLM में घुस गए तो दो चीज आप बेहतर तरीके से कर सकते हो। पहला, किसी के साथ फ्रॉड, और दूसरा, अगर तुम चाहो तो मोटिवेशनल स्पीकर बन सकते हो। और इसका सबसे बड़ा जीता जागता उदाहरण है हमारे पास, कौन, वही टेकला, विवेक जी, सोनू जी, शर्मा जी, लेकिन संदीप महेश्वरिया जी भी पैसा के पीछे नहीं भाग रहा, तो इसका नाम लेना मेरे हिसाब से सही नहीं है। लेकिन ये 3-4 चिंदू चोरियों को आप देख सकते हो, ऐसा काम करके यूट्यूब में खुद भी पैसे कमा सकते हो, और ऐसा स्कीम ला करके आप खुद भी पैसे कमा सकते हो, और दूसरा को इस स्कीम डाल करके उसका गाड़ मार सकते हो, उसको डुबा सकते हो अच्छे तरीके से। जैसे अभी करेंटली में विवेक बंद्रा जी फंसे हुए हैं, और यही सारा फ्रॉड चलता है इस चीज में MLM। जो लोग MLM करते हैं वो अपनी जिंदगी में बहुत दूर से नजर आ जाएंगे। इनकेस अगर आपको नहीं पता है तो मैं आपको आज 3 निशानियां बताता हूं, जिसके कारण आप इन चक्रों में भविष्य में ना पड़े। और ये 3 निशानियां हर एक MLM में होती है। तो सबसे पहली निशानियां की अगर बात की जाए तो वो व्यक्ति जिस तरह से अपनी कमाई बता रही होगी ना उनकी शक्ल से मैच करेगी ना उनकी अकल से। और दूसरा, जो व्यक्ति MLM से जुड़ा होगा या चैन मार्केटिंग से जुड़ा होगा वो आपको इस तरीके से बात करेगा, मतलब इतने पॉजिटिव तरीके से बात करेगा जिसकी कोई भी हद नहीं। MLM वाले से सिर्फ हमारी लड़ाई इतनी है, ये लोग सिर्फ सपने बेचते हैं। ये सपने बेचते हैं इसलिए क्योंकि आप इस कंपनी में जुड़ोगे तो ये बोलते हैं कि आपको गाड़ी देगा, अगर आप इस कंपनी में जुड़ते हो तो पैसा देगा, अगर आप इस कंपनी में जुड़ते हो तो लवड़ा देगा, अगर आप इस कंपनी में जुड़ते हो 3 महीना या 6 महीना तो ये आपको बोलता है कि लाखपति बना देगा, या इनकेस आपको करोड़पति भी बना सकता है। लेकिन पता चलता है अगर आप इस कंपनी में 6 महीना और काम करते हो तो लाखपति का लवड़ापति क्या, किसी का भी पति नहीं बना पाएगा। ये इस सेमिनार में ऐसे समझाते हैं जैसे वे व्यक्ति सुबह उठता है, सुबह उठ करके वे व्यक्ति मां चुद देगा पूरे दुनिया को, लेकिन शाम होते होते ऐसा लगता है कि मां चुदाए दुनिया। पहले अपना काम करें। लेकिन मैं आपको बता दूं भैया, मैं अभी तक विवेक बंद्रा का नाम नहीं लिया हूं उस चीज में, तो ये मत बोलना कि तुम्हारी लड़ाई विवेक बंद्रा जी से है। यहाँ पे एक मैसेज देना चाहूंगा विवेक बंद्रा जी को, वैसे तो छोटी मुंह बड़ी बात हो जाएगी, लेकिन मैं फिर भी आपको एक चीज बताना चाहता हूं। इस समय बाजार में 2% लोग है, 1% लोग समझते हैं कि आपने स्कैम किया है, आपने सच में फ्रॉड किया है लोगों के साथ, स्टूडेंट के साथ, गरीबों के साथ, आप सच में फ्रॉड किए हैं, सब कुछ जानते थे इसके पीछे और सब कुछ जानबूझ करके किए हैं आप, आपको पता है कि इसके पीछे भी आप ही हैं। दूसरे लोग ये कहते हैं विवेक शर्मा जी की गलती नहीं है, ये इनके पीछे कोई टीम ने इसके पीछे कुछ किया होगा, कुछ लोगों इसके पीछे गलत बाजी कर रहा होगा, आज नहीं तो कल इस चीज को विवेक बंद्रा जी सुधार देंगे। लेकिन अब आगे अगर आप क्या एक्शन लेते हैं ये सिर्फ आप पर डिपेंड करता है। इससे आपकी एक्शन दुनिया के नजर सामने क्लियरिटी नजर आएगी कि आगे आने वाले समय में आप क्या करते हो। अगर आप अभी एक्स्ट्रा एक्शन नहीं लेते हो तो जो बंदा आप पर वीडियो बना रहा है उसको लीगल नोटिस भेज दें, उसके घर चले जाओ, उसके चैनल को रिपोर्ट करवा दो, उसको फोन करवा दो। अगर
आप ऐसा करते हो तो फिर दुनिया आपको दूसरा परसेंट लोग समझेगा, तो समझेगा विवेक बंद्रा जी वाकई में गलत है। पहला तो ये गलती भी कर रहा है और गलती मान भी नहीं रहा, तो शायद इन्होंने जानबूझ करके ऐसा किया होगा। लेकिन अगर आप अच्छे लोगों में आना चाहते हो तो, जो कि मैं आपसे हाथ जोड़ करके निवेदन करता हूं, आप अपनी पॉलिसी को चेंज करें, आप अपनी टीम को रिन्यू कीजिए कि कोई गंदी मछली आपकी टीम में तो नहीं है, वो जानबूझ करके वो सब कुछ कर रहा है, पीछे बैठ करके तो वही सब कुछ नहीं बिगाड़ रहा। आप उन लोगों को पैसा निकालने की कोशिश कीजिए जो गरीब लोगों का पैसा आपके यहाँ फंस गया है, प्रयास कीजिए कि आप उन सभी का पैसा रिफंड कर दोगे। अगर ये सब करने के बाद भी उन सभी का पैसा अगर ना निकले तो चाहे जेब से पैसा क्यों ना खर्चा करना पड़े, लोगों का पैसा उन तक पहुंचाएं। आपकी नेटवर्थ में कुछ पैसे कम हो जाएंगे लेकिन उन गरीबों के 20-25 हजार जैसे ही घर आएंगे उनकी आंखें खिल जाएगी और उनकी दुआएं आप पर ऐसे लगेगी कि आपकी नेटवर्थ डबल हो जाएगी। और संदीप जी, आप दोनों अपने अपने फील्ड के दिग्गज खिलाड़ी हो, लेकिन संदीप जी ने पैसा छोड़ा और उन्होंने प्यार कमा लिया, लेकिन विवेक जी आपका प्यार अभी हाथ से निकलता चला जा रहा सिर्फ पैसे के चक्कर में। मेरी उम्मीद है कि आप सब कुछ ठीक कर दोगे, इन गालियों को तालियों में बदल दोगे। लेकिन जो मैंने आपको कहा सर कि उसका प्लीज पैसा उसको रिफंड करो, उन गरीबों का पैसा प्लीज रिफंड कर दो, आप उनको पैसा दिलाने में मदद करो। जो भी स्टूडेंट आज जो कोर्स खरीदा है वो भी परेशान है कि हम फंस गए, मेरा पैसा खा गया। लेकिन मैं आपको बता दूं भैया, जब भी कोई आप कोर्स खरीदते हो तो आप पहले उस कोर्स को चेक कर लो, ये जो आप कोर्स खरीद रहे हैं ये आपकी काम की है या भी नहीं, ये आप पहले चेक कर लो। अगर वो वाकई में आपकी काम की है, अगर आपकी जेब में कैपेसिटी है कि हाँ हम खरीद सकते हैं, तो फिर खरीदो। अगर आपके पास 500 रुपया है सिर्फ खरीदने को, तो सिर्फ आप पहले 500 वाला खरीदें और उस चीज को सीखने के बाद आपको पूरी नॉलेज आ जाएगी। मैं 2000 का मैं कोर्स खरीद सकता हूँ, फिर आप 2000 से कमाइए और 2000 से नॉलेज लेने के बाद फिर 5000 में जाइए। आप अचानक अमीर बनने की कोशिश ना करें, आप धीरे धीरे आगे बढ़ें। एक बार लम्मा कूदने से कुछ नहीं होता है, जल्दी अमीर बनने का हर वादा आपको जल्दी गरीब बना देगा। सच में यार, जिस बंदे को अपने प्रोडक्ट पर विश्वास है वो रिफंड का ऑप्शन जरूर देगा आपको। और जाते जाते एक मैसेज संदीप महेश्वरिया जी के लिए, आप जैसे हो वैसे ही रहना सर, आप तो बिजनेस कोर्स हो नहीं, आप तो उसका कंपटीशन हो नहीं, वो आपका अगेंस्ट तो खड़ा है नहीं, फिर भी आपने गरीबों को उसका हक दिलाने के लिए आप उनसे भिड़ गए। ना आपको उस मैटर में घुसने से कोई पर्सनल फायदा होने वाला था, लेकिन आपने आम जनता के लिए, एक स्टूडेंट के लिए, आपने अपने सब्सक्राइबर के लिए एक ऐसे व्यक्ति से लड़ गए जिसके पास पैसा भी बहुत है, नाम भी बहुत है और इज्जत भी बहुत है, जिसके लिए लीगल नोटिस भेजने का भी डर है, लेकिन आपने डरे नहीं, आपने हिम्मत दिखाई। आपकी इस हिम्मत से बाकी सब्सक्राइबरों को हिम्मत मिलती है। इस वीडियो के बनाने के चक्कर में मुझे भी लीगल नोटिस आ सकते हैं, भाई साहब मेरे घर पे 4 लोग भी आ सकते हैं, इस बात का भी डर है, मेरा चैनल रिपोर्ट भी हो सकता है, इस बात से भी रिस्क है, लेकिन इससे बड़ी बात है कि आपसे बहुत सारा इश्क है। ये इश्क के चक्कर में मैं भी वीडियो बना दिया हूँ, बाकी खुदा जाने रब जाने, कर्मों का हिसाब यही जन्म में देना पड़ता है, तो जिम्मेदार भी आप ही हैं इस चीज में। आप ये इस बात को नहीं बोल सकते कि मुझे ध्यान नहीं था। तो विवेक सर, आप अपने टीम को बड़ा सोच समझ के चुनो, ये तो बात हो गई, लेकिन मैं एक बात और बता दूं, विवेक बंद्रा सर पर बहुत सारे पहले लोग भी एक्सपोज किया है, लेकिन विवेक बंद्रा सर उन सभी लोगों को डरा कर धमका कर डिफिमेशन केस की धमकी देकर के उनकी वीडियो को डिलीट करवा दी। लेकिन अब ये मामला काफी बड़े लेवल पे जा चुका है, तो शायद विवेक बंद्रा जी का भांडा फूटने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। लेकिन संदीप महेश्वरिया से सिर्फ मेरी एक रिक्वेस्ट है, अगर तुम कॉम्पिटिशन में लड़ रहे हो तो एक दूसरे के अगेंस्ट, आप इस कॉम्पिटिशन को पूरी तरह से लड़ो। अगर आपको लगता है कि स्टूडेंट का हक मिलना चाहिए उसे, तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मंजिल को भुलाकर जिया तो क्या जिया? मंजिल